झारखंड में सुरेन सरकार पिकनिक मना रही है और राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दुमका में एक हिंदू लड़की को जिंदा जलाकर मार दिया गया है। उसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। हिंदू लड़की की हत्या के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। हिंदू संगठनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया। आरोपी शाहरुख को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की जा रही है। आरोप है कि शाहरुख हुसैन नाम के एक लड़के ने 23 अगस्त को अंकिता पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा आंख के हवाले कर दिया। अंकिता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान 28 अगस्त को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने भले ही आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन लोगों में नाराजगी अभी भी बरकरार है। आरोप यह है कि शाहरुख कई दिनों से हिंदू लड़की को परेशान कर रहा था और उस पर दोस्ती बनाने का दबाव बना रहा था। लड़की ने इससे इनकार किया तो शाहरुख ने उसे आग लगा दी। तो ये सरफराज आशिक की कायराना करतूत आप देख रहे हैं, जब एक लड़की को इसकी कीमत चुकानी पड़ी अपनी जान देकर। फिलहाल इस पूरे मामले में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के बाद मांग की जा रही कि कड़ी कार्रवाई की जाए। इधर तनाव के बीच सुबह सुबह अंकिता की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है और इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। एक तरफ अंकिता की अंतिम यात्रा जो है वो निकाली जा रही है, दूसरी तरफ सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि अभी भी लोगों में आक्रोश है। तनाव के बीच ही सुबह सुबह अंकिता की अंतिम यात्रा निकाली गई। आरोपी शाहरुख हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे पुलिस कस्टडी में भी वो बेशर्मों की तरह हंस रहा है। ऐसा लग रहा है मानो एक लड़की की हत्या के बाद भी उसे कोई अफसोस नहीं है और ना ही उसे कानून का डर है। तस्वीरों में देखिए शाहरुख का बॉडी लैंग्वेज कुछ जरा देखिए कि किस तरीके से उसके चेहरे पर कोई भी शिकन आपको नजर नहीं आएगी कि उसे इस बात का अफसोस है कि उसने एक हिंदू लड़की की हत्या कर दी है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये शाहरुख आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही आरोपी है जिसने किसी लड़की को जिंदा जला दिया। जिंदगी से जंग लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु हो गई। इधर अब आपको अंकिता का मरने से पहले वो बयान सुनाते हैं जिसमें उसने अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी दी। अंकिता ने यह तक कहा कि जिस तरह से उसे जलाया गया ठीक वैसी ही सजा। ये जो शख्स आपको दिख रहा है तस्वीरों में शाहरुख, जो हंस रहा है हत्या के बावजूद, इसे भी ऐसी ही सजा दी जाए। घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आया, पापा भी रोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं, और उसने 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में, 2 लड़का था वो और एक छोटुआ था, हम खिड़की खोल के देखे थे। नाम क्या उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ छोटू, जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं उसको वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। और हमारे सहयोगी सोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहन, तस्वीरें वहां से जानना चाहेंगे, किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? अंतिम यात्रा आज निकाली गई है भारी सुरक्षा के बीच। शाहरुख गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन लोगों का आक्रोश अभी भी कम नहीं हुआ है। देखिए जो घटना हुई है उससे झारखंड के दुमका में जो लोग हैं पूरी तरह से आक्रोशित है। उनका कहना है कि शाहरुख को जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। तो जिला प्रशासन ने कहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को ले जाएंगे और जल्द से जल्द आरोपी को वो फांसी दिलाने के लिए वो मांग करेंगे कि आरोपी को फांसी दिया जाए। लेकिन जो घटना हुई है उसमें शाहरुख नाम का लड़का अंकिता को पिछले 2 साल से परेशान कर रहा था और अंकिता ने इस बात को छुपाया भी नहीं था, उसने परिवार वालों की इस बात की जानकारी भी दिया था। और अंकिता से इसे कहने की उसका पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो गया था, घूमना फिरना उसका बंद हो गया था। अंकिता के परिवार वालों ने शाहरुख के परिवार वालों से शिकायत भी किया था। शाहरुख के परिवार वालों ने कहा था कि आगे से शाहरुख ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन 23 तारीख की रात जब अंकिता अपने घर के खिड़की के बगल वाले जो बेड पर वहां पर वो सोई हुई थी तो उसी समय शाहरुख रात में आया है और रात में उसने खिड़की का ग्रिल तोड़कर, खिड़की शायद खुला हुआ था, उसने वहां पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया। जब आग लगने के बाद जब अंकिता चिल्लाई तो परिवार वालों ने तुरंत उसे आनन फानन में अस्पताल ले गए, जहां से उसे रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है और कल अंकिता की मौत हो गई। परिवार वालों ने कई तरह के आरोप लगाए कि अंकिता की जान बच सकती थी अगर सरकार उसे बेहतर उपचार के लिए किसी दूसरे अस्पताल में या कहीं और भेजती तो शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया और सिर्फ बेड पर पड़ी रही जिससे उसकी
मौत हो गई। परिवार वाले भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि जिस तरह उसकी बेटी की जान गई है उसी तरह शाहरुख को फांसी दिया जाए। दुमका के लोग काफी आक्रोशित है। आज दुमका में हिंदू संगठनों द्वारा दुमका बंद का ऐलान किया गया है। लोग काफी भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और जो लोग सड़कों पर उतरे हुए उसे देखते हुए आप बने रहिए हमारे साथ। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि वहां पर लोगों के मन में काफी आक्रोश था, दरअसल उसी से जुड़े हुए कुछ रिएक्शन अपने दर्शकों को सुना देते हैं, क्योंकि शाहरुख तो गिरफ्तार किया जा चुका है लेकिन लोगों का गुस्सा किस तरह का है अभी भी आपको दिखाते हैं। मांग हम लोग का यही है कि अंकिता का जो हत्यारा शाहरुख हुसैन है उसको तो जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, फांसी कोर्ट में चले और उसके बाद उसका एक साथी है जो छोटू उसको 12 घंटा के अंदर हम लोग बोल रहे हैं कि प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उसको पकड़ा जाए और उसको भी साथ में जो है उसको भी सजा मिले, उसको फांसी होना चाहिए। नहीं होगा तो मेरा हवाले करे, हम लोग सब मिलकर उसको जलाएं। हम लोग का गाँव समाज में हुआ है, शाहरुख नाम का लड़का हमारे हिंदू बेटी को घर में घुस के पेट्रोल डाल के आग लगा दिया था, जिसका सर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया था। इलाज के दौरान उसका मृत्यु हो गया। हम लोग हिंदू संगठन सारे लोग एकत्रित है और सारे लोगों का एक ही मांग है कि जो दोषी है शाहरुख मिलना चाहिए। दोस्तों ऐसा दुमका का ऐसा है कि वो लड़की अभी तक बालिक नाबालिग है, सर्टिफिकेट उम्र कम है लेकिन उसमें बालिक बताया जा रहा है। उसे प्रत्येक रूप से जाँच होना चाहिए और दोषी को जल्द से जल्द एक महीने के तहत में उनको फांसी का सजा मिलना चाहिए। लोगों की प्रतिक्रिया आपने देखी और कितनी नाराजगी है आप इन प्रतिक्रियाओं में साफ तौर पर देख पाए। सुनील सोरेन हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के सांसद हैं। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नव भारत पर। सर एक तरफ तो प्रदेश में इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर है, दूसरी तरफ जो मौजूदा सरकार है वो अभी इस वक्त पिकनिक मना रही है। हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ पिकनिक मनाते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं सर आप इस पूरे घटनाक्रम को और सरकार की पूरे कदम को? हो सकता है सुनील सोरेन जी तक आवाज ना पहुंच रही हो, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनसे हम फिर जुड़ेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप देखिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी तक की जा रही है। जिम्मेदारी तय होती है सरकार की क्योंकि कानून व्यवस्था सीधे तौर पर सरकार के हिस्से में आता है। एक शख्स जिंदा जलाता है एक लड़की को, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी अगर मैं तस्वीर आपको फिर से दिखा पाऊं, आप देखिए शाहरुख किस तरीके से पुलिस कस्टडी में, ऐसा लग रहा है मानो पुलिस के लिए वो मेहमान बनकर आया हो। उसका ट्रीटमेंट आप देखिए और वो पुलिस की कस्टडी में हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ क्यों नजर आ रहा है, सवाल इसी बात को लेकर खड़े होते हैं। और अब इस पूरे मामले में कैसे कार्रवाई की जाएगी क्योंकि जिस लड़की की जान गई है वो खुद इस बात को कह रही है कि जैसे मेरी हत्या की गई ठीक वैसी सजा इस शाहरुख हुसैन को दी जाए, और इसको लेकर लोग सड़कों पर उतरकर किस तरह से बवाल कर रहे हैं उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये चार वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 12वीं की छात्रा को जिंदा जलाया गया और वहीं हिंदू संगठन और बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। मौत के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है, लोग हंगामा करते नजर आ रहे हैं। आरोपी शाहरुख हुसैन गिरफ्तार कर लिया गया है, बावजूद इसके लोग जो है वो अभी गुस्से में है। आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने पूरा केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने का दावा किया है। पुलिस का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। लड़की जो का डेथ हुआ, आज डेथ हुआ, और इससे पूर्व जो केस हुआ था जिसमें वो इलाजरत थी उसके बाद में, और इसके पश्चात सेम डे जो अक्यूज्ड है शाहरुख उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और हम लोग इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको त्वरित विचारण के लिए दिया जाएगा जिसमें कि जल्दी से जल्दी इसको सजा मिल जाएगी। सुना आपने एसपी का क्या कुछ कहना है, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है। ये भी आरोप लगा रहे हैं परिवार वाले कि अगर सरकार अनदेखी ना करती तो अंकिता को बचाया जा सकता था, अगर उसे ट्रीटमेंट सही तरीके से सही वक्त पे मिल जाती तो उसे बचाया जा सकता था, लेकिन इसमें सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया।